सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रशंसा होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपनी जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य तो उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। आज का पंचांग 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि सुबह 7:05 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 4:09 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:36 से 5:13 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 10:36 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार, आपको शुभ समाचार आज मिलेगा जिससे आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह और सहयोग से आपको प्रतिष्ठा मिलेगी जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। इस अवसर को आप सही तरीके से समझें और उसका प्रयोग करें ताकि आप और आपका परिवार आगे बढ़ सके। खुशियों के इस मोमेंट को आनंदित और उत्साह के साथ अनुभव जरूर करें। आपकी सलाह सचमुच महत्वपूर्ण है। आपकी जीत की वजह से दूसरों की तकलीफ ना होने देना आपके लिए बहुत अच्छा है। सेहत की देखभाल आपके सभी कामों में महत्वपूर्ण है क्योंकि सेहत स्थिर रहने पर ही आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को संतुलित रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान देना आपके जीवन में संतुष्टि और सफलता की संभावना को बढ़ाता है। क्या एक बदलता हुआ कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा सुझाव है। धातु से संबंधित काम करने वालों के लिए आपके सुरक्षित और सुदृढ़ भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप पेमेंट की पुष्टि करें पहले ही काम की शुरुआत करने से पहले। इससे आपकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और आपको संबंधित समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी। यह सलाह उन सभी के लिए बहुत अच्छा है जो अपने व्यवसाय को संभालती हैं। निडर बने और दिमाग से काम लें। आपके करीबी साथी आपको सुनने के लिए तैयार हैं। अनुबंध या व्यापारिक मीटिंग के रूप में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। घर पर उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से प्रतिबंध है। नए निजी और व्यावसायिक संबंधों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कल्पना करना और काम टालना छोड़ें। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आपको कुछ घटनाओं के तह तक जाना पड़ेगा। वर्तमान की कुछ घटनाओं के लिए वही पुराने कारण जिम्मेदार हैं। इससे आपकी इज्जत को काफी ठेस पहुँची है। आपको काफी आरक्षित और सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर सकते हैं। आज निश्चित तौर पर वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा लेकिन साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। जब निवेश करने का सवाल आपके सामने हो तो स्वतंत्र बने और अपने फैसले खुद लें। विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। आज अब एक ऐसी परियोजना पूरी कर राहत की सांस लेंगे जिसे आपने बहुत पहले पूरा किया था। आज अब जीवन साथी के साथ वक्त बिताने और उनको कहीं घुमाने ले जाने का प्लान करेंगे लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से यह नहीं हो पाएगा। संभव है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंची। सावधानियां, ध्यान रखें आपके विचारों में नकारात्मकता की
वजह से कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं, बेहतर होगा कि समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लें। लोगों से अच्छा मेलजोल करते समय उचित शब्दों का प्रयोग जरूर करें। बात करते हैं लव लाइफ की। छोटे भाई बहन के साथ किसी ट्रिप का मजा ले सकते हैं। संचार के माध्यम से आप अपने साथी को अपने करीब पाएंगे, जैसे उसे पत्र या प्यार भरा मैसेज लिखकर। इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने ना दें। धन का घाटा होने की स्थिति में अपनी खर्चों को नियंत्रित रखें। आजकल आपको भूख प्यास नहीं लग रही है, न ही आपका मन काम में लग रहा है और आपको हर जगह एक ही चेहरा नजर आ रहा है, तो समझ ली कि आप प्यार में पड़ चुके हैं। अपनी इस रंगीन भावना को ब्लैक एंड व्हाइट ना होने दें। अपने पार्टनर को प्राथमिकता दें, लेकिन अपने काम को भी ना भूलें। जो किसी के साथ संबंध में है, उनके निजी जीवन में एक नया दौर आने वाला है। आप या तो शादी कर सकते हैं या लीव इन में रहने की योजना बना सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आपको काफी निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि घर को रीमॉडल करने की जरूरत होगी। जो अकेले हैं, उन्हें कोई अंतरंग और मजेदार आदमी भी आज मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और घर के सभी सदस्य बहुत अच्छे और प्रफुल्लित और खुश रहेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान, समझौता और प्यार का माहौल होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह सभी के लिए आनंददायक होता है। इस प्रकार के सुखद और प्रसन्नता भरे माहौल का आनंद लेने के लिए तैयार रहें और अपने पारिवारिक संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए समय जरूर बिताएं। सावधानियां। ध्यान रखें, आपके विचारों में नकारात्मकता की वजह से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। बेहतर होगा कि समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन जरूर लाएं। लोगों से ज्यादा मेल जोल करते समय उचित शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बात करते हैं करियर की। इस समय आप किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि अपनी भावना पर काबू रखना आप अपने साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने कौशल का प्रयास करने से पीछे बिल्कुल न हटें। अपने शौक जैसे फोटोग्राफी, संगीत या नृत्य को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। आपका सही समय अभी नहीं आया है, इसीलिए इंतजार करना बेहतर है। आपकी तकनीक सही नहीं है, इन पर अच्छे से विचार करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। कोई भी निर्णय करने से पहले सही समय की प्रतीक्षा करें और चीजों को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं आगे बढ़ें। मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपकी करियर से संबंधित योजना भी बिगड़ सकती है। आप एक बात पर अपना दिमाग एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच कर काम को बर्बाद कर रहे हैं। आप किसी भी अनुभवी पेशेवर या एक करियर सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। एक करियर सलाहकार के मार्गदर्शन से आपको एक मार्ग भी मिल सकता है। आज आप अपने करियर के बारे में एक दिशा में सोच सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन परिवार के साथ बिताने के लिए अच्छा दिन हो सकता है। अपने माता पिता या भाई बहनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने बच्चों के साथ किसी मजेदार कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं, जिससे आपको अच्छा लगेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आज का उपाय। आज आप गरीबों को गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।